बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे, मेरी तहे दिल से दुआ है, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। माशाल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अपने बच्चों के साथ खुश खुर्रम हूँ। सबसे बड़ी नेमत मेरे लिए मेरे बच्चे हैं, तो जब वो खुश हैं तो मैं खुश हूँ। बस सोच लीजिए अपने कितनी खुश होंगी। माशाल्लाह मेरे बच्चे कामयाब हों, अच्छे इंसान बने, नेक इंसान बने, अच्छे मुसलमान बने, अच्छे शहरी बने, तो इससे बढ़ के एक माँ के लिए क्या खुशी हो सकती है। और पीछे मेरे बैकग्राउंड में देख लीजिए मौसम आज का। कल परसों मैंने आपको तेज़ धूप दिखाई थी, लेकिन देखिए मौसम कैसा है यहाँ यूके का, कि एकदम से ऐसे बादल आए हुए, ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है कि इस वक्त तकरीबन सुबह के बजे हैं 10:30 है इस वक्त सुबह के। और मैं नाश्ता करके फ्री हुई, तो मैंने कहा क्यों ना अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को ज़रा थोड़ा सा बाहर का नज़ारा भी कराऊँ, मौसम भी दिखाऊँ। और बहुत मिस कर रही थी आप सबको, तो थोड़ी सी बातें भी हो जाए। तो बातें इनफैक्ट ये है कि आप सबको आने वाला ये वीडियो उसी मुतालिक है, न्यू ईयर से रिलेटेड है। तो आप सबको कमिंग जो 2-3-4 दिन में आने वाला है न्यू ईयर, उसके सबको बहुत 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 ज़्यादा आई विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, वेरी वेरी मतलब जहाँ कहीं भी दुनिया को दुनिया में मुझे देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, मैं सबको तहे दिल से नए आने वाले साल के लिए बहुत मुबारकबाद देती हूँ और दुआ करती हूँ कि आने वाला जो कैलेंडर साल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुबारक साबित हो। देखिए व्यूअर्स, अक्सर ये सुना जाता है कि हम तो मुसलमान हैं और हमारा जो इस्लामी कैलेंडर है वो हिजरी कैलेंडर जो है वो मुहर्रम से शुरू होता है। तो नो डाउट, किसी को इसमें शक नहीं है कि हमारा जो हिजरी कैलेंडर है वो मुहर्रम से आगाज़ उसका होता है इस्लामी कैलेंडर का। और लेकिन देखिए दूसरे, हमें उसके आने की इतनी खुशी होती है, उसके पे भी हम बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं और हद से ज़्यादा अल्लाह ताला से उसका फजल और रहम कर्म मांगते हैं। लेकिन एक जो है ना वो ग्राउंड रियलिटी ये भी तो है ना, एक इस तरह आप मैं इसको लेती हूँ कि देखिए अब दुनियावी लिहाज से तो हम सारे काम अपने इस कैलेंडर के हिसाब से करते हैं ना। जैसे हम जनवरी शुरू होगा, दिसंबर ख़त्म होगा, ये वाला दिसंबर ख़त्म होगा तो ये साल भी 2019 ख़त्म हो जाएगा, जनवरी स्टार्ट होगा तो 2020 स्टार्ट हो जाएगा। तो बताइए ना हम अपने सारे काम किस दुनिया के जितने भी हैं, जो भी प्लान्स हैं, जो भी इवन हुकूमतें भी और घरों में भी लोग किस साल की हैसियत से वो चलते हैं ना। मैं अब कैसे आपको समझाऊं, यानी हम हर काम इसी साल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई इसी तरह करते हैं ना अपने सारे काम, कि जनवरी में हमने ये करना है, फरवरी में ये है, और हुकूमतें भी इसी तरह प्लान होती हैं, सारा कुछ इसी तरह घरों में भी। तो इसलिए ज़रा रियलिस्टिक अगर हो कि हम सोचें ना, तो इस साल को विश करने में और इस साल को दुआ देने में कोई हर्ज नहीं है। हम दुआएं दे रहे हैं ना एक दूसरे को, इनफैक्ट वो तो नहीं कोई हम कर रहे होते कि वो कोई और हुल्लड़बाजियाँ, ये तो गलत है, ये होना भी नहीं चाहिए। हुल्लड़बाजियाँ करें और दूसरों को भी डिस्टर्ब करें और एक इस्लाम के हट से एक हट के एक कोई काम ऐसा करें, पार्टीज़ करें, मतलब बहुत कुछ होता है पार्टीज़ में, आप सबको पता ही है, मुझे एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है, सब माशाल्लाह बहुत समझदार लोग हैं। तो इन चीज़ों से हट के हमें अल्लाह ताला के आगे शुक्राने के नफल भी पढ़ने चाहिए कि एक साल हमारा अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे तरीके से हमें कंप्लीट करने का मौका दिया और हमें ज़िंदगी इंजॉय करने का और अपने बच्चों के साथ अपने प्यारों के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया और अच्छे अच्छे काम करने का मौका दिया। इसी के साथ साथ हमें व्यूअर्स आने वाले साल के लिए हाजत के नफल पढ़ के तो ज़रूर दुआ करनी चाहिए कि अगले आने वाला साल जो है हमारे लिए, हमारे प्यारों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, सबके लिए बहुत मुबारक साबित हो, बहुत अच्छा हो, बहुत कामयाबियों वाला हो, बहुत खुशियों वाला हो और इत्मीनान सुकून वाला हो और आपस में रंजिशें दूर करने वाला हो। हाँ, रेजोल्यूशंस क्या होते हैं, हम हर कोई कहता है कि रेजोल्यूशंस हैं नए साल के, कि रेजोल्यूशंस क्या है, नए साल के रेजोल्यूशन यही होने चाहिए कि हम एक तो अल्लाह के नेक इंसान बने, नेक बंदे बने, अच्छे इंसान बने उसकी बनी नौ इंसान के लिए, और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, पॉजिटिव काम करें, सोचें कि क्या हम पिछले साल मिस कर गए, क्या हम नहीं कर सके जो इस साल हम कर सकते हैं। तो ऐसी बातें सोचने में कोई हर्ज तो नहीं है ना, इसमें हमें इसको हम पॉजिटिव लेंगे तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि हम इसको
अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने का मतलब ये होता है कि आप उसको लेके कैसे चलते हैं उस साल को, आने वाले साल के लिए क्या प्लान्स आपके दिल में हैं, आपने किसी बच्चे की शादी करनी है, आपके किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन करनी है पास, आपके किसी बहन भाई में कोई अच्छी खुशखबरी है, आपके वालदैन के लिए कोई अच्छी न्यूज़ है इस साल में, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो ढेरों ढेरों ऐसे काम हैं जो हम पॉजिटिव होकर अगर सोचें तो नए साल के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आने वाले दिनों के लिए हम बहुत अच्छा सोच सकते हैं। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हकूक तो हमसायों के हकूक का है, तो बहुत सारे लोग जो मुझे भी पाला पड़ चुका है इसलिए इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि लोग हमसायों के हकूक भूल जाते हैं। हमारा दीन बहुत ज़्यादा एम्फसिस देता है, बहुत ज़्यादा जोर देता है हमसायों के हकूक पे, इतना ज़ोर देता है कि नबी पाक ने फरमाया एक बार कि अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा हमसायों के हकूक का जोर दिया कि कभी मुझे शक होने लगता है कि जायदाद में भी उनका, हमारी जायदाद में भी अल्लाह ताला ना रख देते उनका हिस्सा हमसायों का। तो हमसाए ऊपर रह रहे हो आपके अगर फ्लैट अपार्टमेंट्स में, या नीचे रह रहे हो, या राइट पर रह रहे हो, या लेफ्ट पर रह रहे हो, सामने रह रहे हो, तो हर किसी का अपना ख्याल रखना चाहिए। गली मोहल्ले में, फ्लैट्स में, जिधर भी आप रह रहे हैं, हम सबको एक दूसरे का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। हर किसी को जीने का राइट है, शोर शराबा नहीं। अपने बच्चों को इनफैक्ट जो जंग माए हैं, इवन जब मैं भी, एक्सक्यूज़ कीजिएगा गला बहुत ख़राब हो रहा है, जब मैं भी, मेरे बच्चे भी छोटे थे तो मैं हमेशा फ्लैट्स में रहना प्रेफर करती थी। एक तो मैं सिंगल माँ थी, दूसरा मेरा अपना ज़ाती घर नहीं था, ज़ाती घर ससुराल में था। वो एक लंबी स्टोरी है कैसे वहाँ से निकाला गया हमें, और वो एक मशहूर जुमला है मुझे क्यों निकाला, तो ये फिर कभी आपसे डिस्कस करूँगी। तो लेकिन अल्लाह ताला उन, बस अल्लाह ताला पे छोड़ दिया था, और जो अल्लाह ताला ने किया वो मैंने नहीं, सबने देखा, तो अल्लाह पे अपना मामला छोड़ देती हूँ। जब कोई मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ ज्यादती करता है तो अल्लाह जाने, और उस बंदे का फिर हो जाता है रब्ता, तो अल्लाह जाने और वो बंदा जाने, फिर मैं नहीं बीच में पड़ती। तो खैर, बात किधर से किधर निकल जाती है। तो पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्या रेजोल्यूशंस हैं उनको देख लीजिएगा। पीछे बहुत प्यारा सा परिंदा एक उड़ा है, बहुत अच्छा लगता है, मेरा तो दिल करता है पूरा दिन आपसे बातें करती रहूं। लेकिन ये है ना कि सबको और भी काम है, और भी दुख है मोहब्बत के सिवा, तो दुख है या गम है, अगर मैं शेयर गलत कर गई तो माजरत कीजिए। तो इसके अलावा ये है कि हमसायों के हकूक पे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, अपने रिश्तेदारों के हकूक पे जोर दिया। हाँ, अगर रिश्तेदार आपसे खुद ही वो नहीं दूर होना चाह रहे तो उनके रिश्तेदारों का हकूक का जोर ज़रूर ख्याल कीजिए। लेकिन अगर रिश्तेदार चाह रहे हैं कि आप उनके से दूर ही रहें, आप उनके पास ना जाएं, तो फिर ऐसे रिश्तेदारों के लिए हमारे पे क्या गुनाह होना है, क्योंकि उन्हें खुद ही सोचना चाहिए कि वो खुद ही ऐसा कर रहे हैं, हमें दूर होने पे मजबूर कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे मसले, देखिए दुनिया में जो इंसान आया है ना, उसके साथ मसला तो कोई ना कोई रहना ही है, है ना। यह तो बात नहीं है ना कि हमारे साथ कोई मसला नहीं हो सकता, कोई परेशानी नहीं हो सकती, कोई टेंशन नहीं हो सकती। हाँ, उस टेंशन को कैसे आपने दूर करना है, उसको कैसे टैकल करना है, उस मुसीबत को, परेशानी को, अल्लाह ने करे अगर आप पे आई है, उसको कैसे लेके चलना है अपनी ज़िंदगी के साथ, ये इंसान में बड़ा पन होता है कि वो कैसे इसको करता है, सारा हैंडल करता है। असल में मुश्किल आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ, मुश्किल को उस पर कोप अप कैसे करना है, उसको कैसे लेके चलना है, और उसको कैसे रिजॉल्व करना है, हल की तरफ लेके जाना है, ये ज़्यादा होता है इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, और इस चीज़ को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस। अब देखिए, मुझे हमेशा कहते हैं मेरे बच्चे भी, माशाल्लाह मेरी बहू भी है, वो भी कहती है कि मतलब मामा आप कैसे इतना काम रह जाती हैं, जब अल्लाह ना करे कोई परेशानी आती है, मुश्किल आती है, तो कैसे अपने आप को संभालती हैं, हमें भी हौसले दे रही होती हैं, शुरू से हमने यही देखा। और बस आपका एक ही काम है कि होता है कि आप जानमाज में बैठ जाती हैं, और आप में कैसे इतना सब्र रहा हमें भी बताएं। तो मैं उन्हें हमेशा एक ही जवाब देती हूँ कि अल्लाह एक तो उस पर इस्तेताअत से बढ़ के किसी बंदे पे बोझ नहीं डालता, और अल्लाह ताला उसी को टेस्ट करता है जो उसे पता होता है कि ये बंदा मेरे आजमाइश में पूरा उतरे, कि सलाहियत रखता है, या थोड़ी बहुत उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने इस परेशानी को दूर कैसे करेगा, और वो टेस्ट करता है अल्लाह ताला। अगर हम उस परेशानी, उस मुसीबत में किसी नेगेटिव वे की तरफ चले जाएंगे ना, नौज़बिल्ला ये सोचे कि अल्लाह ने शिकवे शिकायत कर दी, अल्लाह ने हम पे ये क्यों मुसीबत डाली, हमें ये कोई परेशानी दी या कुछ,
तो बिलीव मी फिर वो मसला हल होने के बजाय बढ़ता जाएगा। और अगर अल्लाह वही बंदा उस मुसीबत परेशान में थोड़ा सा अपने पे जबर करके सब्र करके, मुश्किल होता है लेकिन अब करना पड़ता है, हम अपने माइंड को जैसे चलाएंगे वो वही चलेगा, वैसे ही चलेगा। माइंड हमें कंट्रोल नहीं करता, हम माइंड को कंट्रोल करते हैं। तो अगर उसी मुसीबत परेशानी में बंदा एक पॉजिटिव वे की तरफ चला जाएगा और अपना अल्लाह के सामने बैठ जाए, उसका जो भी दीन मज़हब है वो उसको फॉलो करे, और हम मुसलमान जैसे हमें हुक्म ही यही है कि जब तुम पे कोई मुसीबत हो परेशानी आए तो सब्र और नमाज से सहारा लो। तो हमें जब बता दिया गया है तो हम इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे क्यों देखते हैं, क्यों लोगों से मदद मांगते हैं, और क्यों हम अल्लाह के सामने क्यों नहीं बैठ जाते, अल्लाह के सामने क्यों नहीं गिड़गिड़ाते, उससे क्यों नहीं कहते कि या अल्लाह तूने ये परेशानी हम पे डाली है, तूने ये आजमाइश इस आजमाइश में हमें डाला है, और ऐ पाक परवरदिगार तू ही सिर्फ हमें इसमें से निकालने वाला है, तेरे सिवा हमें कोई नहीं निकाल सकता इस परेशानी इस मुसीबत इस आजमाइश में। अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए और मांगिए, फिर देखिए अल्लाह ताला कितना मेहरबान होता है, कितना वो तो 70 माँ से ज़्यादा प्यार करने वाला अपने बंदे के साथ, वो क्यों नहीं फिर अल्लाह के अपने बंदे की इल्तिजा सुनेगा, दुआ का दिल से पुकारा। जैसे बच्चा बेचैन होकर माँ को पुकारता है ना जब, तो माँ दौड़ी चली आती है, माँ फिर नहीं आहिस्ता आहिस्ता रो रहा होता है तो इतनी परवाह नहीं करती माँ, तो जब एकदम से वो चीखता है तो मतलब बेचैन बेकरार हो जाता है अपनी माँ के लिए, तो आप सोचे माँ कैसे लपक के भाग के कुछ भी वो कर रही हो, कुछ भी वो छोड़ के कैसे चली जाती है अपने को, खुदा ना खास्ता उसकी तबीयत ख़राब है उसको भी नहीं देखेगी, वो फौरन जाएगी अपने बच्चे को संभालेगी, उसे प्यार करेगी, उससे पूछेगी क्या चाहिए, खाना चाहिए, दूध चाहिए, पीना कुछ, पानी पीना कुछ करे, उसका हर तरह से ख्याल रखेगी। तो यही मिसाल हमारी है कि अपने रब्बुल आलमीन हम इंसानों से अपने बनाए हुए मखलूक से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि आप सोच भी नहीं सकते, और इतना ज़्यादा नवाजता है कि हमारी सोचें भी नहीं वहाँ तक पहुँच सकती, और इतना ज़्यादा हमारे दिल को सुकून देता है, राहत देता है, खुशी देता है कि हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम, हम शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। और हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाना, अपने नकम्मे बंदों में उन बंदों में ना शामिल फरमाना जो ना शुक्रे हैं, तेरी ना शुक्री कभी भी ना हम करें, तेरे से गिला शिकवा कभी भी ना हम करें, ऐसे बंदों में ना शामिल फरमाना। तो बहुत कुछ है बातें करने को, तो बहुत ही नए साल में हमें यही कोशिश करनी चाहिए, जो पिछले साल लास्ट ईयर हम नहीं कर सके, अपने मनसूबे पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सके, जो अच्छे काम हम करने चाहिए थे वो लेकिन हमसे मिस हो गए, हम नहीं कर सके, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले साल के लिए हम ये सोच के रखें हमने अच्छा ही रहना है, हर हाल पे हमने अपना दिल साफ़ रखना है, जहन साफ़ रखना है, दिल बड़ा रखना है, हर किसी की अच्छी बुरी जो है उनके आदतों को उस दिल के अंदर समाने का वो करें, जगह रखें, जगह रखें। हाँ, बहुत ज़्यादा आपको कोई इरिटेट करता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए शर फैलाता है, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा करने के बावजूद आपको तंग करता है, इसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरे बच्चे भी शामिल हैं, मैं हमेशा कहती हूँ जब मैं आप कहती हूँ तो इसका मतलब हम सब उसमें आते हैं, कभी भी ये ना सोचिएगा हमें तो ये लेक्चर देने खड़ी होगी या खुद जैसे बड़ी वो, तो ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आप सब जैसी इंसान हूँ, अल्लाह की बनाई मखलूक हूँ, बस कोशिश करनी चाहिए कि इंसान जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इस टेम्प्रेरी सी दुनिया में हमें भेजा है ना, उस मकसद को अच्छी तरह पूरा कर सके। अल्लाह ताला हम सबको अपने सम्मान में रखे, हमेशा से मैं ये दुआ करती हूँ, और इतने मैं खुश होती हूँ जब किसी की कामयाबी सुनती हूँ, मैं यकीन करें कि कहा जाता है ना कि आप किसी भी चीज़ को, किसी की कामयाबी, किसी की अच्छी चीज़ को, घर बंगले गाड़ी किसी को भी देख के, मतलब किसी को भी अच्छी सेहत इवन किसी की देख के, लंबी ज़िंदगी देख के, उसके अच्छे बाल देख के, उसके अच्छे नेल्स, अच्छी स्किन देख के, तो माशाल्लाह कहना चाहिए हर एक बात पे, माशाल्लाह कह दीजिए। और अगर बहुत दिल में कोई शैतान वसवसा डाल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा उसके लिए नाउज़ बिल्ला हमारे दिल में हसद या कुछ आता है, तो फिर लाहौल वाला को तल्ला बिल्ला पढ़ दीजिए, शैतान को मारने के लिए यही काफ़ी है। तो मैं बहुत सारी पॉजिटिव बातें होती रहेंगी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी मेरी बातें, अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप इतने अच्छे हैं सारे कि मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा थैंक यू कहती हूँ, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही नेक, बहुत ही अच्छे इंसान हैं आप सब, माशाल्लाह से इतने अखलाक वाले, इतने अखलाक वाले कि मैं सोच नहीं सकती कि दुनिया में भी अच्छे लोग हैं, तो इसीलिए दुनिया चल रही है ना, मैं यही सोचती रहती हूँ हमेशा, क्योंकि अक्सर होता है कि बाज़ दफ़ा हमें लगातार ऐसे लोगों से वास्ता पड़ रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में जो कि ज़िंदगी अजीरन बना देते हैं, यकीन करें, लेकिन उसमें अब वो जैसे होता है ना कि एक
गुप अंधेरा हो तो उसमें एकदम से कोई टॉर्च जला दे तो रोशनी की थोड़ी सी भी किरण आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो इतने जहाँ इंसान को हर्ट करने वाले लोग होते हैं, उसमें अगर आप जैसे प्यारे प्यारे लोग जो मुझे इतना प्यार करते हैं और इस तरह के और बहुत सारे आ जाएं, तो वो यकीन करें उस रोशनी की किरण की नेमत से कम नहीं होते। उस टॉर्च की जो लाइट है ना, वो बहुत ज़्यादा उस उन पर हावी हो जाती है जो कि अच्छे लोग नहीं मेरे, मतलब अच्छे लोग कहने से ये मतलब है अगर हम दूसरे का बुरा चाहेंगे तो हम अच्छे बिल्कुल भी नहीं हैं। इसलिए मुझे इसमें आर नहीं है कहने में कि दो किस्म के लोग हमेशा दुनिया में रहे और रहेंगे, अच्छे और बुरे और दरमियाने भी होते हैं जो इधर और उधर, हाँ वो बहुत खतरनाक होते हैं जो एक ही टाइम में हक के साथ भी होंगे और झूठ के साथ भी होंगे। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है दो बंदे हैं, अब दो बंदों में लड़ाई किस बात पर होगी ना, किसी भी ताल्लुक में हो, किसी भी उसमें हो, नेशन में हो, या कोई भी उनका कारोबारी हो, या कोई भी झगड़ा हो, किस बात पे होगी? एक यकीनन उनमें से हक सच भी होगा, एक गलत होगा, ये तो है ना। तो मैं हैरान होती हूँ कि एक बंदा दोनों का साथ कैसे दे सकता है, क्यों नहीं वो गलत को गलत के और सही को सही के और गलत को कहे कि नहीं तुम गलत हो और यह सही है, तुम्हें इसका साथ देना चाहिए, ना कि तुम डटे रहो अपने उस पर। बहुत सारी मिसालें हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी के तजुर्बे आपसे शेयर करती रहूँगी। अगर आप कहेंगे मैं पूरी लाइफ आपसे शेयर कर दूँगी अपनी, आप सब मुझे इतने प्यारे हैं कि मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, पूरी लाइफ आपसे शेयर करूँगी जब तक अब तक मैंने गुजारी, अगर आप चाहेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या मैंने खोया, क्या पाया, कैसे सर्वाइव किया मेरे मेरे बच्चों ने और क्या कुछ होता रहा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है पॉजिटिव रहने से, अल्लाह के करीब रहने से और अपने और अपने बच्चों के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखने से वो सब मसले हल हो गए माशाल्लाह से। अगर कोई मसला आता भी है तो हम एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों को इतना फ्रेंडली रखिए, इतना भी ना रखिए कि बदतमीज़ हो जाएं वो आपके, मतलब माँ और बाप और एक बच्चों का जो है एक फासला, थोड़ा सा डिस्टेंस, वो रहना अदब लिहाज और शर्म लिहाज का वो रहना चाहिए। लेकिन ऐसे दोस्त रखें कि वो आपसे कुछ छुपाए ना, अल्लाह ना करे उनसे कोई गलती भी हो जाए तो आपसे डिस्कस कर सके, क्योंकि उस गलती का हल हम एज अ बड़े होने के नाते हमारे पास होगा। बच्चे तो ना समझ होते हैं, गलतियाँ करते हैं, बड़ों का काम है उन्हें माफ़ करना, उस गलती का कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें बताना और उनका हल बताना कि बेटा आपसे ये गलती हो गई, इस दफ़ा तो होगी, आइंदा ना हो, और इस गलती के ये नुकसान हुए हैं आपकी लाइफ में। अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी गुजरे, सुकून वाली गुजरे, ईमानदारी वाली गुजरे और नेकी के साथ गुजरे और दूसरों की भलाई के साथ, ये काम आइंदा मत कीजिए। तो इंशाल्लाह ताला बच्चे भी समझ जाते हैं, आपके बच्चे हैं क्यों नहीं समझेंगे आपकी बात नहीं समझेंगे तो किसी और की क्या समझेंगे। तो बहुत ढेरों ढेरों प्यार है मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन ये है कि मैं इतना ही प्यार अगले से भी एक्सपेक्ट करती हूँ। और जब हाँ, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई भी नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि कभी कभी मैं कर देती थी तो बहुत हर्ट होती थी। तो मैंने ज़िंदगी में यही सीखा कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखेंगे तो उतने ही ज़्यादा हर्ट होंगे। तो कोशिश करनी चाहिए, इंसान इंसान है, फरिश्ता तो कोई भी नहीं बन सकता ना, हम कमज़ोर इंसान हैं, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, तो फरिश्ता तो हम नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश करनी चाहिए अच्छे इंसान तो बने। तो बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ चलते हैं अब नेक्स्ट सेगमेंट। अच्छा हाँ, एक और बात, आज जिस चीज की भी बर्थडे है ना, मेरे जितने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर सब दे रहे, जिस चीज की भी बर्थडे दुनिया के जिस हिस्से में, आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे और अल्लाह मैनी 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 हैप्पी रिटर्न अपना दे। अल्लाह ताला आपको बार बार ये दिन दिखाए और आपको सेहत से लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आइंदा से अगर आप चाहेंगे तो आप अपना नाम भेजेंगे कि मेरी बर्थडे है, तो मैं अनाउंस भी कर दूंगी आपका नाम लेके। लेकिन मुझे नहीं पता कि आज किस किस की है, लेकिन किसी ना किसी की तो होगी ना, होती है हर रोज़ किसी ना किसी की। तो सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ, आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं अब बहुत ही आपका जो लवली सेगमेंट है शाउट आउट। बहुत सारे नए लोगों ने भी मुझे ज्वाइन किया है, सॉरी, उनमें से एक हैप्पी लाइफ है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा चैनल है इनका, इनको भी आप कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इनका चैनल, इनको देखिए, वॉच कीजिए और फिर इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह नाहिद यूट्यूबर हैं, लगातार मुझे माशाल्लाह कंटिन्यूसली मुझे वो करती हैं मैसेजेस और मेरी वीडियो देखती हैं, थैंक यू वेरी मच नाहिद यूट्यूबर, इनको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा फूड कॉर्नर है माशाल्लाह से,
बहुत ही अच्छा इनका चैनल है, ये मेरे चैनल का हमेशा जो है लाइक सॉरी मेरी वीडियो पे कमेंट करती हैं, लाइक करती हैं, और उनको उनके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह कासिम गुजर जो के सी हैं, मैंने उनका पहले भी जिक्र किया था, बहुत अच्छे ग्रो हैं, इनको भी अल्लाह ताला खुश रखे और ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी तरह से और भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या कहूँ, अब इतने ज़्यादा अच्छे लोग हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। सादियाज किचन है, इन्होंने मुझे हाल ही में ज्वाइन किया है। सादियाज किचन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया काइंडली। बाकी जो सब लोग देख रहे हैं इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह रियल होम क्रिएशन है, माशाल्लाह से शुरू से मेरे साथ हैं और अल्लाह ताला इन्हें आगे भी कई सालों तक मेरे साथ रखे, हमेशा मेरे साथ रखे। माशाल्लाह से बहुत अच्छा चैनल है इनका, रियल होम क्रिएशन के नाम से है। आप ज़रूर इनके चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ज्वाइन करके सब्सक्राइब कीजिएगा इनके चैनल। यूट्यूबर हैं आरोश का, बहुत अच्छा चैनल है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं, बड़ी पॉजिटिविटी एनर्जी मिलती है मुझे इनके कमेंट्स से, ज़रूर ज्वाइन कीजिए, थैंक यू वेरी मच आरोश। और उसके अलावा कौन है मेरे साथ, रेसिपीज़ ऑन क्लाउड, ये नए हैं मेरे साथ, इनको ज्वाइन कीजिए आप, थैंक यू वेरी मच रेसिपीज़ ऑन क्लाउड, आपका बहुत अच्छा चैनल है, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत और तौफीक और जज्बा अता फरमाए और अच्छा अच्छा काम आप करती रहें। इसके अलावा देखिएगा कौन है मेरे साथ, पाक देसी फूड रेसिपीज़ हमेशा रिक्वेस्ट करती हैं, आप सब प्लीज़ इनको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा इनका चैनल है, थैंक यू पाक देसी रेसिपीज़, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने का बेहद शुक्रिया, इनके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फहासमस किचन के नाम से ये चैनल है इनका, बहुत ही माशाल्लाह से प्यारा चैनल है, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे आबाद रखे। और उसके अलावा इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच। और ज़ारा का किचन मैंने आपको बताया था, वाओ चैनल का नाम है, वाओ में कह नहीं रही, ये चैनल का नाम है, इनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू है मेरे चैनल पर, थैंक यू वेरी मच वाओ, थैंक यू वेरी मच आने का। और उसके अलावा हैं जी एमन ब्लॉगर हैं, आज ही इन्होंने मुझे किया है मैसेज कि मैं न्यू आपके चैनल, मोस्ट वेलकम एमन ब्लॉगर, मेरे साथ हमेशा रहिएगा, थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब, आप लोग भी उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा गुलनाज किचन है, गुलनाज किचन का जो है कि वो बहुत अच्छा माशाल्लाह से काम कर रही हैं, और इनकी एक बहुत अच्छी बात है कि मेरी सारी वीडियोज़ देख रही हैं, पिछली सारी वीडियोज़ नहीं है इन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन माशाल्लाह से अपना हक अदा कर रही हैं सब्सक्राइबर, अच्छा सब्सक्राइबर होने का, कि सारी वीडियोज़ ये वॉच कर रही हैं, पिछली भी मेरी जो बैक डेटिंग है। गुलनाज किचन, आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, इनके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़, मज़े की दुनिया, बहुत ही मज़े की दुनिया है वाकई में इनकी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, थैंक यू वेरी मच मज़े की दुनिया। उसके अलावा यूके देसी ब्लॉगर, ये हमारी अपनी यूके की सिस्टर हैं, यहाँ रहती हैं, तो बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से काम कर रही हैं, और इनको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, थैंक यू वेरी मच सिस्टर यूके देसी ब्लॉगर। उसके अलावा है तहमीद प्ले लैब, ज़रूर मोस्ट वेलकम टू माई चैनल, आज ही इन्होंने सब्सक्राइब किया है, ऑलवेज स्टे विद मी, थैंक यू वेरी मच। ज़ाहिर कुकिंग है माशाल्लाह, ये छोटे भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम हमारे छोटे भाइयों जैसे हैं, ये यूके में है ज़ाहिर किचन, थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काइंडली इनको भी ज्वाइन कर लीजिए सारे। इसके अलावा कुकिंग विद बबली, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा चैनल है इनका, और मेरी कोशिश होती है जितने भी नए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैं सब्सक्राइब करूँ, आप भी उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, थैंक यू कुकिंग विद बबली। उसके अलावा आरजूज़ किचन, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमेशा साथ रहिएगा, बाकी भी लोग उनको ज्वाइन कर लीजिए काइंडली, थैंक यू। मदीना मुनवरा ब्लॉग्स, देखिए नाम इतना अच्छा है कि दिल को ठंडक पड़ जाती है, तो थैंक यू वेरी मच मदीना मुनवरा ब्लॉग्स, मेरे भाई मेरे उस पर आने का, चैनल पे आने का, सब्सक्राइब करने का, मैंने भी आपके चैनल को कर लिया, अल्लाह ताला ढेरों का भी अपने आपको ताफ़ुमाए, थैंक यू वेरी मच। फूड वर्ल्ड ऑफिशियल, ये भी नहीं है मेरे चैनल पे, फूड वर्ल्ड ऑफिशियल बेहद अच्छा चैनल है, थैंक यू वेरी मच, आप भी इनको ज्वाइन कर लीजिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके वीडियो देख लीजिए, आपको इंशाल्लाह पसंद आएंगी। उसके अलावा गोल्डन शैमरॉक, आई सैल्यूट टू यू, क्यों किस वजह से, वो इस वजह से कि पहली वीडियो से लेके जब से मेरा चैनल शुरू है पहली वीडियो पे आपने कमेंट किया था और माशाल्लाह अभी तक मेरे साथ है, थैंक यू, हमेशा खुश रखे, कामयाब रखे, आमीन।
अफगान फूड एंड कुकिंग बहुत अच्छा चैनल है माशाल्लाह से। अब थैंक यू वेरी मच अफगान कुकिंग एंड अफगान फूड एंड कुकिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। खुश रहिए, आबाद रहिए। फूड मेकर, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड वॉचिंग माई वीडियोज एंड लाइक इट, सब्सक्राइबिंग इट एंड शेयरिंग इट, थैंक यू वेरी मच। फूड मेकर बहुत अच्छा चैनल है, इनको ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़ सारे। राफिया आदिल ने आज कल ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे। पाकिस्तानी मुकद्दस, बहुत अच्छी सीस है हमारी पाकिस्तान से, इनको ज्वाइन कर लीजिए, थैंक यू वेरी मच पाकिस्तानी मुकद्दस। मेरे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का दूसरों से, थैंक यू वेरी मच, मुझे पता है आप दूसरों से शेयर करती हैं। और हानिया ब्लॉग्स, हेलो हानिया, हाउ आर यू, बहुत मज़ेदार माशाल्लाह से, हाँ उन्होंने कहा था बहुत मज़ेदार डियर आंटी, थैंक्स फॉर शेयरिंग, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करती हैं, थैंक यू वेरी मच हानिया, अल्लाह आपको बहुत बहुत खुशियाँ अता फरमाए, आपके नसीब अच्छा करे, आमीन। इसके अलावा है सिरिश का की रसोई, सृष्टि की रसोई, आप मोस्ट वेलकम टू माई चैनल, आपको खुशामदीद कहती हूँ दिल की गहराइयों से, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, थैंक यू वेरी मच। लाइफ विद स्टाइल, ये भी बहुत अच्छा चैनल है, काइंडली इनको भी सबसे थैंक यू वेरी मच, लाइफ विद स्टाइल, और बाकी लोग भी इनको सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, थैंक यू। पाकिस्तानी गुलदस्ता, देखिए नाम कितना प्यारा है ना, पाकिस्तानी गुलदस्ता, तो पाकिस्तानी गुलदस्ता थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, शेयर करने का, इसी तरह साथ रहिएगा, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दूसरे लोग भी काइंडली पाकिस्तानी गुलदस्ता को ज्वाइन कर लीजिए, थैंक यू। आर्ट जोन एक और चैनल है, नया चैनल वो मेरे साथ नए हैं, सब्सक्राइब किया उन्होंने, थैंक यू वेरी मच आर्ट जोन, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड वॉचिंग माई वीडियोज एंड लाइक इट एंड फॉर कमेंटिंग ऑन इट, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड, बहुत अच्छा माशाल्लाह, आप बहुत खूबसूरत आप करती हैं मैसेज। कुकिंग विद खुशी, थैंक यू वेरी मच कुकिंग विद खुशी, माशाल्लाह से शुरू से मेरे साथ हैं, इनको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा चैनल है किचन विद अफशा, थैंक यू वेरी मच मुझे सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, मेरे वीडियोस वॉच करने का और पसंद करने का, इनको भी ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा चैनल है। पाकिस्तानी फूड कॉर्नर, थैंक यू वेरी मच पाकिस्तानी फूड कॉर्नर, आपको आपने मेरे चैनल को ज्वाइन किया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, थैंक यू वेरी मच। एना कुजीन वन, बोन जिया एना कुजीन वन, बहुत ही ओब्रिगादा, मैं उसी में आपको जवाब दूंगी क्योंकि आप पुर्तगीज़ हैं, थैंक यू वेरी मच, इंग्लिश भी आप समझती हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एना कुजीन वन, थैंक यू वेरी मच। क्रिएटिव किड्स बहुत अच्छा चैनल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू, आज के लिए इतना काफ़ी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।